हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग्स। आजकल सरप्राइज है वो बेस्ट 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 है और क्रेडिट जाता है मामा और बाबा को। और थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। और यार कसम से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, जल्दी से पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली आ चुके हैं हम होंडा शोरूम और आपका भाई यहाँ पर लगवाने आया है न्यू बाइक। वो देखो मेरे पास एक लूरी भी खड़ी है, ठीक है, लूरी का लूरा लाया लेने आया। लूरी का हस्बैंड लेने आया और अंदर चलते हैं। उसका हस्बैंड जरा पसंद करते हैं कौन से कलर में मेरी लूरी को हस्बैंड चाहिए। वैसे तो ब्लैक है, रेड हस्बैंड होना चाहिए। और जाते हैं अंदर पसंद करते हैं और लेते हैं फिर बाइक और देखते हैं फिर क्या होता है। मामा साहब कर रही हैं ऑनलाइन कैश, ऑनलाइन पेमेंट कर रही हैं। और उधर मैं और अलीना इंतजार कर रहे हैं बजूका का। मैंने नाम भी रख दिया, एक मेरी बाइक लूरी खड़ी है और एक न्यू बाइक ले रहा हूँ बजूका नाम रख दिया उसका हस्बैंड ले लिया। और अब देखते हैं क्या सीन होते हैं। हमारी लूरी को पसंद आ गया, मैं खुश हो भाई की बाइक आ रही है। हालांकि मेरे पास एक खड़ी है, एक मेरे पास लूरी खड़ी है, पर यार अकेला बंदा तो नहीं ला रहा था। तो सिंगल है बेचारी, मैंने कहा मिंगल कर दे। वो बेचारी सिंगल है ना, उसको मिंगल कर दे। और तंग भी बहुत कर रही थी। हाँ। मुझे अब तंग नहीं करेगी, मुझे नया शोहर चाहिए। ओह माय गॉड, वाओ। अब नहीं करेगी तंग, मुझे गारंटी है। गारंटी अब मैं टाइम उसे दूंगा ना बजूका को, तो वो बेचारी फिर तंग नहीं करेगी मुझे। उसको टाइम दे। रेहान खुश हो? जी जी बात है, खुशी तो होनी चाहिए। बता अगर अपनी चीज़ को खुश ना हो तो उस चीज़ का मजा ही नहीं है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई हमें, क्योंकि बाइक ग्रूं ग्रूं कर रही है। कह रहा हूँ बंदा अपनी चीज़ पे खुश ना हो उस चीज़ का मजा ही नहीं है। ये बात तो बाबा को क्या कहना चाहोगे? बाबा को और मामा को थैंक्स कहना चाहूँगा, और तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत हैप्पी हूँ मैं, मुझे अभी समझ भी नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। लव यू बाबा कह दो। लव यू बाबा जी, लव यू मामा जी। बाकी मैं क्या खुश रहो, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। सारे बोलो आमीन। तो ये रेहान की बाइक निकल चुकी है। ये रेहान की गाड़ी में पहला पेट्रोल डल चुका है। उसने 50 रुपए का ही पेट्रोल डाला। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा है ये असली है ये लोडा। वो कहते हैं आज से बाइक तेरी है, तू ही जान और तेरे काम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फैक्ट्री चेंज कर रहे हैं और नए टूल्स वगैरह रख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि सब एवन करके ओके करके देंगे। फाइनली कार्ड मिल चुका है, अब इनको कार्ड देंगे और बाइक मेरे हैंड ओवर। हाँ ये जी अभी एक और काम मिल गया, आईडी कार्ड रिसीव बनानी है, वो बनाते हैं फिर मिलते हैं। चल और जो गाइड करना है वो भी बता दें। ये करो नीचे आ जाओ, नीचे एसी नंबर 409। ओके हो गया। 500 किलोमीटर चला के आपने इसका पहला ऑयल चेंज करना है। 500 किलोमीटर चला के फिर पहला ऑयल चेंज करवाना, फिर हर हजार के बाद। फिर हर हजार के बाद ठीक हो गया। ठीक हो गया। फिर हर 2000 किलोमीटर के बाद ठीक है। तीन फ्री हैं, पहले 500 किलोमीटर पे, फिर 1000 किलोमीटर पे, फिर 2000 किलोमीटर पे। 1000, हाँ जी 1000, 3000, 5000। ठीक हो गया। ठीक हो गया। 500 में पहला आई, ठीक हो, फिर हर 1000 के बाद। ठीक, तीन ट्यूनिंग फ्री हैं। आपने इसे जेन्युइन चलाना है, कोई रबड़ नहीं है। जैसे आजकल लैमिनेशन चल रही है टैंकी का, तो भी बहुत नहीं करवाने, कोई एक्स्ट्रा लाइट हार्न भी नहीं लगता। लैमिनेशन अंडर वारंटी है ना, 6 माह या 6000 किलोमीटर बॉडी की वारंटी है। इंजन की 3 साल या 20,000 किलोमीटर वारंटी है, तो जेन्युइन चलाने के ऊपर मिलेगी। तो वो जो वो पेपरिंग कराते हैं जो नॉर्मल होती है, जो करवानी अभी अगर टैंकी लीक हो जाती है या जंग लग जाता है
या रंग ओकर के वो चेंज करने के लिए है ना, उन कारों के रंग ओकर जो फट गया था तो वारंटी क्लेम नहीं होगा अगर वो शील्ड लगी होगी ऊपर। चलो ठीक है, ठीक है, इंजन में भी ऑयल क्या नहीं यूज़ करना है, ठीक हो बाइक आप क्लियर हो गई, 200 रुपये हमने फिटिंग चार्जेस देने हैं। पहले मैं बैठूंगी, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, बैठेगा। अच्छा जी, मेरी बाइक को तुम लोग सबसे पहले बैठोगे, भी हम करेंगे सबसे पहले। कालो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भाई ने बाइक परचेज कर ली है, उनको सारा जो क्रेडिट है ना, कर मेरे को जानता नहीं है ये। जो सारा क्रेडिट है ना वो मेरी मामा जानी को जाता है और मेरे बाबा जानी को, जिन्होंने अपने मेहनत के पैसे मेरे को मिले, ठीक है। और अभी जो है ना, जो लूरी है हमारी वो बाहर खड़ी है और जो बाइक है वो होंडा शोरूम में ही खड़ी है अभी, क्योंकि लूरी को ना मैं घर छोड़ूंगा और इन्हें भी घर छोड़ूंगा और फिर जाऊँगा अपने बजूका को लेने, फ्रेंड के साथ बजूका को लेने, फिर वो सारे आपको सीन देखा। एक मिनट, मजे की बात तो बताना भूल ही गया, ये जनाब साहब आए हैं मेरे से ना ट्रीट लेने के लिए। तो भाई बनती है ट्रीट, इतनी बड़ी चीज लेके दिया तो ट्रीट ना हम ले नहीं। चलो ट्रीट सी इनको मैंने दे दिया, अब मेरी लूरी बाहर खड़ी है, लूरी को छोड़ूंगा घर और इनको भी सबको छोड़ूंगा घर, फिर उसके बाद जाऊंगा अपनी नया जो बजूका है ना उसे लेने। लूरा खुद जा रहा है लूरे को लेने, इनको घर छोड़ के अपने बजूका को लेने जाएंगे। ये हमने बाइक इसको इसलिए लेके दी है क्योंकि ये हम बहनों को छोड़ के आते हैं, अच्छा, तो यू नो ना गंदी बाइक पे हमें जाना पसंद नहीं, अच्छा, तो इसलिए हमने बाइक लेके दी है। मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। खाना आता है वो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बजूका को लेने। लिए खाना आ चुका है और अगर देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा तो इसी से गुजारा करो। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं आप भी खा लें यार, आप लोग खा लो, आओ मैं आप लोगों को ट्रीट देता हूँ, जाओ याशी करो। बस यार कम से कम 10-15 बंदों को मैं अफोर्ड कर लूंगा, बाकी को मैं नहीं कह सकता, जाओ याशी करो। आपका भाई ना शोरूम से बजूका को ले आया था और वीडियो नहीं बना पाया, फिर मैंने कहा था दोस्त को लेके जाऊंगा, उधर जाके उन्हें दिखाऊंगा बाइक, शोरूम ही लेके जाऊंगा, फिर मैंने कहा यार शोरूम की लेके जाना है, उनके पास लेके जाएंगे तो उनके रिएक्शन देखेंगे कि वो क्या कहते हैं अगर नई बाइक ले लिया। तो आप लोगों को फिर मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को मैं सिनेमैटिक शॉर्ट्स नहीं दिखाऊंगा नई बाइक की, यार फिर फ़ायदा वीडियो बनाने का, चलो फिर आपको सिनेमैटिक शॉर्ट्स दिखाता हूँ। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया ने एक बात समझ ली, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। फिर कैसे लगे मेरे सिनेमैटिक शॉर्ट्स, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन कभी दबाना, और मुबारकबाद देना मत भूलना, और मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग न्यू प्रैंक, बाकी अलाफिर, इसी तरह प्यार देते। बाय बाय।